हेलो नमस्कार। आप भी यूपीएससी के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं और एनसीईआरटी को किस तरीके से कवर करना है इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है, तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल शो करता हूं मैं। देखिए, जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह हैं, एनसीईआरटी के समरी को देख करके हम कुछ नहीं सीख सकते हैं। कम्प्लीट एनसीईआरटी कवर करने का एक बेसिक लॉजिक ये होता है कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको उन सभी चीज़ों की समझ हो जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सिक्स्थ क्लास ज्योग्राफी सब्जेक्ट ले लेते हैं, और ज्योग्राफी में सिक्स्थ टू ट्वेल्थ एनसीईआरटी आपको कवर करना है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने इस तरीके से कभी नोट किया है कि नहीं किया है, ठीक है। आप देखेंगे कि जो सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ, ये जो कंप्लीट ये तीन क्लासेस की जो ज्योग्राफी है, ये एक ही बुक है। ये इंट्रोडक्शन में कहता हूँ इसको, दिस इज नथिंग बट द इंट्रोडक्शन टू द ज्योग्राफी। सिक्स्थ के टॉपिक्स देखिए, अर्थ, सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मोशन ऑफ अर्थ, बेसिक मूवमेंट्स जिसकी बात करते हैं, मैप की बात करता है, डोमेन्स की बात करता है, और ये जो डोमेन्स है, मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, ठीक है, इसका एग्जांपल नेक्स्ट क्लासेस में आपको मिलेगा। मेजर लैंडफॉर्म्स की बात करता है, फिर एक इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी लास्ट के दो चैप्टर यानी कि आवर कंट्री और वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ में एग्जाम्पल के तौर पर वो देता है। सेवन्थ की आप देखेंगे तो कंप्लीट एनवायरमेंट की बात कर रहा है, पहले अर्थ के बारे में बात किया, सोलर सिस्टम, सेवेंथ में जाकर के इनसाइड अर्थ की बात करता है। मतलब आप इसको, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा चैप्टर्स को, आप इसको अलग अलग पढ़े, अलग अलग टेस्ट करें, वो एक अलग चीज़ है। बट मेरा ओपिनियन ये है कि आपको सिक्स्थ से लेकर के और ट्वेल्थ तक एनसीईआरटी कनेक्ट करनी पड़ेगी। एट्थ की आप एनसीईआरटी देखेंगे कम्प्लीटली रिसोर्स के बेसिस पे है, मिनरल रिसोर्स हो गया, पावर रिसोर्स हो गया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फिर ह्यूमन एज ए रिसोर्स कैसे है। तो सिक्स्थ टू एट्थ जो है वो मैं कहता हूँ इंट्रोडक्शन है। सेवन्थ में आप देखिए, ठीक है, लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड, लाइफ इन डेजर्ट, डेजर्ट क्या है, एक डोमेन है, टेम्परेट ग्रासलैंड क्या है, डोमेन है, उसके पहले ट्रॉपिक्स के ऊपर देता है, उसके पहले बताता है कि एनवायरमेंट और ह्यूमंस का इंट्रैक्शन होता है तो किस किस तरीके के चेंजेस होते हैं। तो आप देखेंगे कि जब चेंजेस दिखा देता है वो ह्यूमंस और एनवायरमेंट के बीच, मतलब दोनों के बीच में, उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो एग्जाम्पल के तौर पे हैं। पहले इक्विटोरियल ट्रॉपिकल रीजन, फिर उसके नियर बाई प्लेसेस में जो है वो टेम्परेट रीजन आता है, ठीक, और उसके बाद फिर डेजर्ट की बात करते हैं, तो डेजर्ट में भी आपको एक कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल देगा, एक हॉट डेजर्ट का एग्जाम्पल देगा। तो ये सब लाइफ स्टाइल जो है वो बेसिकली आपको दिया जाता है ताकि आप इस एनवायरमेंट के नीड्स को समझिए, उसमें जो होने वाली चीज़ें हैं, डेवलपमेंट है उसको समझिए कि डेजर्ट में लाइफ स्टाइल ऐसा क्यों है, उस वहाँ पे किस तरीके का सोशल फैब्रिक डेवलप हुआ और किस तरीके से लोग जो है वो बिहेव करते हैं। अब बिहेवियर लोगों का जनरली ऑन एन एवरेज ज्योग्राफी से ही रिलेटेड होता है, लाइक हमारा ड्रेसिंग, हमारा फूड, ये सब ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद में नाइन्थ से जो है वो एक अलग तरीके से चीज़ें जो है वो डेवलप होती है। हाँ, एट्थ का जो है कनेक्टिविटी क्लास टेंथ से की जा सकती है, एट्थ के जो चैप्टर्स हैं उनका एक्सटेंशन आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे एट्थ में भी एग्रीकल्चर को डिस्कस किया गया है, टेंथ में भी एग्रीकल्चर को डिस्कस किया गया है। तो जब भी आप पढ़ें, इन चैप्टर्स को कनेक्ट करिए, इन चैप्टर्स को ऑल टुगेदर पढ़ने की कोशिश करिए। इंडस्ट्रीज आपकी एट्थ में भी दी है और आपकी इंडस्ट्री जो है वो टेंथ क्लास के एनसीईआरटी में भी दिया है। प्लस जब आप मेन बुक पढ़ते हैं उसमें भी आपको इंडस्ट्री जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये लेवल चेंज होता जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन आपके बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लासेस में है वो इन्फॉर्मेशन हायर क्लासेस में नहीं है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ठीक है, और पढ़ना चाहिए भी, ठीक। नाइन्थ जो है वो इंडियन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन है, मैं ये कहता हूँ, ठीक है। नाइन्थ में बेसिकली इंडिया का साइज, फिजिकल फीचर, ड्रेनेज, क्लाइमेट और लास्ट में पॉपुलेशन को डिस्कस करता है। फिर इसी चैप्टर को जो है और डिटेल में आपको ट्वेल्थ क्लासेस में देखने को मिलेगा, जब ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ेंगे, इलेवेंथ क्लास में जब इंडियन ज्योग्राफी वापस से पढ़ेंगे, दे आर मोर डिटेल्ड। दिस नाइन्थ क्लास इज इंट्रोडक्शन इन कंपैरिजन टू द इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ क्लासेस। फिर टेंथ क्लास कंप्लीट इंडस्ट्रियल यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ठीक है। उसके बाद इलेवेंथ में आपको दो डिफरेंट पार्ट मिल जाता है, जैसे इसमें जो एग्जाम्पल है पहला पार्ट है, ठीक है, कंप्लीट ये फिजिकल ज्योग्राफी की बात की जा रही है। फिर इसके सेकंड पार्ट में जो है वो आपका इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट आ जाता है। ट्वेल्थ जो है वो कंप्लीटली ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर आ जाता है।
और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सेटलमेंट्स हो गया, पॉपुलेशन हो गया, डेमोग्राफिक हो गया, ये सारी चीज़ें सिविल सर्वेंट के लाइफ में डे टू डे इंटरेक्ट करती हैं और हर रोज इन्हीं सब चीज़ों से जो है वो एक तरीके से मशक्क़त करना पड़ता है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको बहुत डिटेल में पढ़ना ज़रूरी होता है, इसीलिए बोलते हैं कि एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना चाहिए।